Hariyam parents, class 2 children, again you are welcome in my class. Today I am going to teach you poem 6, that is page number 39. Children, everybody in this world staying in some or other house, everybody's house is called different. We are living in a home or house it is called. We are because human being. A dog lives in a kennel. Uska ghar ka naam hai, kutte ka ghar ka naam kennel. रैबिट का बोरो, लायन का डेन, सभी को एक एक घर रहता है बच्चों, ये घर हमको बहुत खुशी देता है। Children, have you ever thought how lucky you are to have a house? Read the poem and see how blessed the child is feeling to have a house. इस लेसन में भी तुम्हारी तरह एक छोटा बच्चा, क्यूट बच्चा को एक ब्यूटीफुल घर है, वो अपने घर के बारे में बहुत अप्रिशिएट करके, बहुत तारीफ करके वो छोटा पॉइम यहाँ पर पॉइंट लिखे है। देखो बच्चों, एक ब्यूटीफुल घर का पिक्चर है यहाँ पर, एक छोटा बच्चा तुम्हारी तरह क्यूट बच्चा खेल रहा है वहाँ पे, वो क्या बोल रहा है देखो बच्चों, ही इज वेरी फीलिंग वेरी प्राउड एंड लक्की टू हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। माई लिटिल हाउस इज प्रिटी एंड रेड, ए लक्की चाइल्ड एम आई, आई लव एंड प्ले थ्रू आउट द डे, यू विल सेल्डम फाइंड मी क्राई। In my yard, I have a tree. It shades me from the sun. And in its shade, I often sit when all my play is done. तो क्या बोल रहा है बच्चों? यहाँ पे ये छोटा बच्चा, My little house is pretty and red. उस बच्चे का घर का कलर क्या है? बहुत सुंदर है और रेड कलर है. A lucky child am I. तो ये क्या बोलता है वो घर को देख के? I'm very lucky child to have a such a pretty house. Which is red in color. I laugh and play throughout the day. मैं क्या करता हूँ उस घर में? पूरा दिन भर और रात भर मैं happily खाली smile करता रहता हूँ, laughing करता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ. You will seldom find me cry. Seldom मतलब rare, बहुत कम तुम देखोगे रोने के लिए, क्योंकि मैं बहुत lucky बच्चा हूँ कि क्योंकि मुझे इतना सुंदर घर मिला है. In my yard, yard मतलब देखो बच्चे यहाँ पर खेलता है बच्चों, इसको बोलते हैं yard. उनका बाहर जो आंगन है वहां पर क्या करता है वो? I have a tree, एक बड़ा सा पेड़ है. It shades me from the sun, बहुत गर्मी जब लगता है तो वो मुझे बहुत छाया देता है. बहुत अच्छा बच्चों, तुम जब भी समर में कहीं पर वॉकिंग जाते हो या कहीं जाते हो तो गर्म लगता है तो तुरंत क्या करते हो? तुम दौड़ के जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हो. क्यों? क्योंकि पेड़ के नीचे तुमको फ्रेश एयर मिलता है और ठंडा भी लगता है. तो वो क्या बोलता है वो बच्चा? आई हैव ए ट्री इन माई यार्ड, इट शेड्स मी, वो मुझे छाया देता है और ठंडक भी देता है. एंड इन इट शेड आई ऑफन सिट, मैं हमेशा के लिए कभी कभी बहुत बार बैठता हूँ उस पेड़ के नीचे. व्हेन ऑल माई प्ले इज डन, मैं खेल सारा खेल खेलने के बाद, सारा खेल खत्म करने के बाद जब मैं थका हुआ रहता हूँ तब वहां जाके पूरा ठंडे लगने के लिए और आराम से बैठने के लिए वहां जाके बैठता हूँ. तो बच्चों यहाँ पर वो चाइल्ड अपने घर के बारे में ब्यूटीफुली अप्रिशिएट करके एक छोटा पॉइंट बताया. वैसे तुम भी अपने घर के बारे में ऐसे ही लिख सकते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारे घर में क्या है, सबसे तुमको क्या अच्छा लगता है, कौन सा कलर, और कहाँ पर तुम खेलते हो, कहाँ पर तुम बैठ के आराम करते हो, वो भी इस पॉइंट की तरह तुम लिख सकते हो. तो अच्छा लगा बच्चों पॉइंट? बहुत ब्यूटीफुल है, हाँ कि नहीं? थैंक यू.